हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आपको आज एक ब्रेकफास्ट की काफ़ी अच्छी रेसिपी बता रही हूँ, जिससे ब्रेकफास्ट में खाने से यह हेल्दी तो है ही, टेस्टी भी काफ़ी लगती है और पेट भी इससे काफ़ी अच्छी तरह से भर जाता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और सुबह और शाम के ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताने जा रही हूँ रवा सूजी। बहुत से लोग इसे रवा कहते हैं और बहुत से लोग सूजी कहते हैं, तो मैं आपको सूजी का उपमा बता रही हूँ, वेजिटेबल उपमा। इसमें मैं काफ़ी वेजिटेबल डाल रही हूँ, तो चलिए दिखाते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। 3 कप हमने रवा लिया है। इस रवे को मैं जब भी मैं राशन मंगाती हूँ, रवे को थोड़ा सा गर्म करके कढ़ाई में, सिर्फ गर्म करके, अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए उतना मैं करके रखती हूँ, ताकि इसमें इस तरह से रखने से रवा आप जितना भी दिन रखें, 2 महीने भी रखेंगे, 3 महीने भी रखेंगे, तो इसमें कीड़ा नहीं लगता है। और इस तरह से यदि आप रखेंगे तो इसमें ये या तो फंगस लग जाएगी या कीड़े लग जाएंगे। तो आप इसे गर्म करके रखिए, जब भी रवे को आप स्टोर करें तो इसे गर्म करके थोड़ी सी ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखिए, उसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगते हैं ना फंगस लगते हैं। तो 3 कप हमने सूजी ली है, 1 कप चने की दाल, 1 कप से कम है, 1/3 कप है। चने की दाल को हमने ड्राई रोस्ट करके भिंगो दिया था और भिंगो कर पानी में से निकाल के, इसकी पानी निकाल लिए, देखिए ड्राई रोस्ट करके भिंगो कर रखा है। एक बड़े साइज के प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मटर हमने ली है, हमने फ्रोज़न मटर ली है, यह 1/2 कप है। 1/2 कप टमाटर है, यह रिफाइंड ऑयल मैंने ली है उपमा को बनाने के लिए। 1 आलू को हमने मीडियम साइज़ के आलू को बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी से नारियल हमने बारीक चॉप कर लिए है। 1 गाजर को बारीक चॉप कर लिया है। कड़ी पत्ते 8 से 10। हरी मिर्च हमने 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है और अदरक 1.5 इंच के अदरक के टुकड़ों को बारीक चॉप कर लिया और नमक। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं सूजी का उपमा। फ्रेंड्स, मैं एक इंग्रेडिएंट आपको बताना भूल गई, ये मस्टर्ड सीड मैंने थोड़ी सी ली है, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड है। ऑयल हमने गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दी है। देखिए ऑयल हमारी, चेक कर लेती हूँ गर्म हुई है या नहीं। थोड़ी सी ऑयल हमें और गर्म करनी है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगी, हम इसमें मस्टर्ड सीड को पहले डालेंगे। यदि आपने सूजी को पहले से, रवे को नहीं भूना है, तो सबसे पहले आप पहले रवे को भून कर थोड़ा सा गर्म करके निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप ये सारी मेथड को फॉलो कीजिएगा। मैंने रवे को पहले से भून कर रखा है, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं भूनूंगी। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, पहले मस्टर्ड सीड को डाल देते हैं इसमें। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर लिया है, क्योंकि ये बहुत, जो मस्टर्ड सीड है बहुत ही क्रैकर होती है। इसके बाद मैं इसमें जिंजर, बारीक चॉप जिंजर और हरी मिर्च, जिंजर और हरी मिर्च को हमने डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें ओनियन, जो हमने एक बड़े ओनियन को बारीक चॉप करके रखा था, उसे डाल देते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते। मैंने कड़ी पत्ते पहले इसलिए नहीं डाले, क्योंकि कड़ी पत्ते ऑयल में डालने पर काफ़ी क्रैकर होती है, तो हमारे हाथ जल सकते हैं, तो इसे बहुत ही केयरफुली करिएगा। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करके ही इसका सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा प्याज हमारा भून जाए, उसके बाद मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं 1/2 टीस्पून एक छोटी वाली स्पून से नमक ऐड कर रही हूँ, ताकि प्याज हमारा जल्दी से भून जाए। बस 1 से 2 बार इस तरह से चला लेना है हमें। उसके बाद मैं इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से मैं इंस्पायर होती हूँ कि आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है और मैं नई नई वीडियो डालने के लिए इंस्पायर होती हूँ। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, इसे ट्राई करके। और नॉट यदि मेरी वीडियो को आप दोस्तों के साथ पसंद आई, तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और मेरी वीडियो को यदि सबसे पहले आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, तो मैं जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूँगी इसे आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए ये हो चुका है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें, ये जो एक आलू हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ था उसे ऐड कर देते हैं, गाजर, नारियल को थोड़ी देर के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें, और चने की दाल को भी मैंने पहले भून कर रख लिया है, इसलिए चने की दाल भी मैं लास्ट में ही ऐड करूँगी। यदि चने की दाल आप ऐसे डायरेक्ट भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और साथ में ही भूनिए उसे, मैंने पहले उसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और ऑयल हमने थोड़ी सी अधिक इसमें इसलिए यूज़ मैं कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी ऑयल अधिक यूज़ करेंगे तो ये उपमा बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है। चने की दाल को डाल देते हैं, देखिए आप देख सकते हैं मैंने ये रोस्ट करके फुला कर रखी हुई है, इसे हमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप डायरेक्ट डालेंगे तो उसे आपको भुनना होगा। ये नारियल भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, मटर और ये टमाटर, सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दी, और थोड़ी सी मैं नमक पहले ऐड कर चुकी हूँ, और मैं छोटी वाले स्पून से 2 टीस्पून नमक मैं और ऐड कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल छोटी सी मेरी स्पून है, इससे मैं 3 टीस्पून नमक ऐड कर चुकी हूँ, इसे थोड़ा सा ही हमें भूनना है क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्रोजन बटर है तो ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे मैं चने दाल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो चटनी में भी हमारे नमक है इसलिए मैं नमक के हिसाब से ही डालूंगी, जो नमक अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 टीस्पून हमने नमक ऐड कर चुकी है, 1 टीस्पून और ऐड कर देती हूँ, और अब हम इसमें 3 कप हमने सूजी ली है तो उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तीन कप हमने सूजी ली थी तो जिस कप से मैंने सूजी को माप किया था उसी हिसाब से मैंने उसी कप से 5 कप हमने पानी ऐड कर दिया। अब पानी में जैसे ही हमारे उबाल आएंगे उसके बाद मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी, तो चलिए इसे उबाल आने देते हैं, जैसे ही पानी उबलने लगेगी मैं सूजी इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए सिर्फ 1 मिनट हुए हैं और पानी में हमारे उबाल आ गए हैं, गैस को धीमी कर लेते हैं और सूजी को इस टाइप से डालेंगे, देखिए इस तरह से हल्के हल्के एक साथ नहीं डालेंगे, ऐसे डालते जाना है और इस तरह से हमें हिलाते जाना है चम्मच को, देखिए बिल्कुल इस तरह से ही डालिएगा, और नहीं एक साथ डाल देंगे तो ये जो सूजी है हमारी इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ आ जाएंगी, तो इस तरह से गैस को धीमी कर लीजिए पानी में उबाल आने के बाद, और उसके बाद इस तरह से चलाते जाना है। अगर पानी कम हो, आपको लगे पानी कम है तो और पानी ऐड कर दीजिएगा, हमारी पानी लग रही है कि थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ी सी पानी पहले ऐड कर देती हूँ, उसके बाद मैं सूजी ऐड करूँगी। 2 कप पानी हमने और ऐड की है और अब सूजी को इस तरह से हम डाल देते हैं और इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए आहिस्ते आहिस्ते सूजी डालने के कारण हमारे सूजी में थोड़ी भी गुठलियाँ नहीं आई है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन रही है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल भी हमारे सूजी में गुठलियाँ नहीं आई हैं और काफ़ी अच्छी बनी है। गैस को ऑफ कर लेते हैं और ये देखिए ये हमारी उपमा बनकर रेडी हो गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। यदि आपके पास कोरिएंडर लीव्स अवेलेबल हो तो आप उसे भी लास्ट में डाल दे सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। हमारे पास कोरिएंडर लीव्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अभी हमें नहीं मिली इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। देखिए मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप से
अच्छी लगने के लिए इसे डिफरेंट टाइप से सर्व कर रही हूँ। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आप मैं चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ दाल की, आप चाहें तो इसे सांभर या सॉस, बच्चे तो सॉस के साथ पसंद करते हैं, सॉस के साथ सर्व आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बोल में इसे डाल लिया और इसे हल्के से इस तरह से स्पून से प्रेस कर दे रही हूँ मैं, और मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जिस प्लेट में आपको सर्व करनी है उसे देखिए, इसे इस तरह से हमने डालकर, वाव, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितनी ये खूबसूरत लग रही है। आप जैसे भी आप चाहें सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं चटनी के, दाल के चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ फटाफट इसे खाने। मुझे रवा के उपमे काफ़ी पसंद है, मैं जब भी बनाती हूँ मेरे मुंह में पानी आने लगती है। तो मैं तो जा रही हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट करने, आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, सॉरी इसके लिए, आप चाहें तो इसमें काजू और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो भूल गई थी इसलिए मैंने हल्का सा इसे फ्राई करके ऊपर से डाल दिया है। आप चाहें तो काजू और किशमिश, कम से कम 1 टेबल स्पून किशमिश और 1 टेबल स्पून काजू आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब मैंने सारी चीज़ें फ्राई की सब्जियों को, सबसे लास्ट में काजू और किशमिश को डालकर आप फ्राई कीजिए और बना दीजिए। मैं भूल गई थी आपको बताना, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भूल गई थी इसलिए मैंने फिर से आपको बताया। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।